नमस्ते गुरुजी जय गुरुजी महाराज जय गुरुजी जी, गुरु जी, गुरु जी सांगत जी शुकराना गुरु जी महाराज मल्टी का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिव्यूनिटी का एक सत्संग सुनेंगे आज का सत्संग मीरा कपूर आंटी जी ने लिखा था पुराने संगत जो हैं अभी वो गुरु जी महाराज के चरणों में हैं आज का सत्संग सोनिया मोहत्रा आंटी जी पढ़ेंगी गुरु परिवार की तरफ से आप आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आंटी प्लीज सेशन को इनिशिएट करें जय गुरु जी ओवर टू यू jai guruji jai guruji Sanghaji. you know yeah. this is uh, uh, this is a humble ode to meera and may her satsang uh, continues to guide us because it's a timeless treasure of wisdom and love and through you know though meera physical form may not be with us you know but her spiritual essence lives on and satsang's uh, legacy lives on so guruji ki Agyasi. सत्संग की शुरुआत करते हैं ताकि वो भक्ति भाव वो प्यार उत्पन्न हो हमारे में सो वी शुड कल्टिवेट डिवोशन एंड लव की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ वी फैक्ट एंड इन सत्संग ओनली यू नो वी फाइंड अ ट्रू सेल्फ सो गुरु जी की आज्ञा से मीरा जी का सत्संग पढ़ते हैं कुछ भी पढ़ने वक्त गलती हो जाए तो माफ कीजिए सो गुरु जी की आज्ञा से और मीरा जी की स्मृति में इनर रिमेम्बर विल रीड अ सत्संग कहते हैं मीरा जी मीट्स गुरु जी एंड बिकम्स हिज मीरा जी गुरु जी से मिलती हैं और उनकी हो जाती हैं बिल्कुल देर इज नो सेकंड थॉट अबावर एट यूनो बिकम्स हिज दैट्स इज लव दैट्स इज मैग्नेटिक पावर तो शुरू करते हैं Kete, when Meera ji met Guru ji, she had an acute problem with her spinal cord. The vertebrae had infused together, creating gaps within the cord. She felt as if a nerve was being pressed from the spine to the right leg, causing great pain. And doctors also noticed that her right leg had started weakening, losing muscle tone.

एक गैप सा बन गया था सो so, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी से दाएं पैर की नस दब रही है वी ऑल नो कि किस तरह से वो नर्व रूट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जो इफेक्ट करते हैं हमारी टांगों को आपस में जुड़ी होती है ना नसें। तो क्या होता है उनको ऐसा लगता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी से दाएं पैर की नस दबरी है और जिससे उनको बहुत दर्द हो रहा होता है और डॉक्टर भी ये देखते हैं कि उनका जो दाइना पैर है ना उस वजह से कमजोर होने लग गया था और जिससे मांसपेशियों का वजन होता है कम होने लगा था सो मीरा जी क्या करती थी अपनी पीठ को सहारा देने के लिए उन्होंने बेल्ट पहनना शुरू कर दिया बट फिर भी पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाती थी सो शी रियली शी वो सफरिंग फ्रॉम यू नो सच पेन अक्यूट पेन सो आगे पढ़ते हैं Yet that during initial visits to Guruji, Meera would carry some pillows with her to sit for the entire satsang, but Guruji noticed her bringing the pillows and asked her not to do so. She tried to smuggle them. She tried to smuggle them in, but was reprimanded sternly. So she sat down on the floor and could do so for hours. तो शुरू शुरू में जब उनका हुआ ना गुरु जी के पास जाना तो अपने साथ ना वो तकिया लेकर जाती थी कि जैसे हमें पहले बताया कि नहीं बैठ पाती थी उसके बगैर पंद्रह मिनट से भी ज्यादा वो इसलिए लेके जाती थी ताकि सत्संग में पूरी तरह आराम से बैठ सके हालांकि जब गुरुजी ने उनको देख लिया ना कि वो तकिया लेकर आई हैं तो उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से के लिए उन्होंने, उन्होंने उसको मना कर दिया उनको पर फिर भी सम हाउस शेबु जस्ट स्म लेंगे चुपके से ले आती थी लेकिन फिर एक बार तो फिर गुरु जी ने पूरी उनको डांट फटकार लगाई यू नो ही एंड रेप्रिस्ड इसलिए फिर क्या हुआ उनको जब डांट तो फिर वो जमीन पर बैठ गई पर उन्होंने पाया कि वो तो कई घंटों तक ऐसा कर सकती थी तो ये कैसे हुआ गुरुजी की मेहर तभी तो गुरुजी ने कहा कि तकिया लाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज गुरुजी वाज गोइंग टू गिव यू नो हर सपोर्ट He was going to be her, that solid support. So, Aage Padte. Meera Ji met Guru on 3rd April 1995 at Greater Kailash, New Delhi. Guru asked her what she wanted cured. Apprised of the problem, he immediately said, let's go, let's do the operation. So, Meera Ji was frightened. Guruji only took her to a room, placed a spoon on the affected body parts, and bent her neck with great force to the left and right. So Miraji felt agonizing pain. As she recovered, Guruji said he would treat her leg in Jalanda. Kyauta Miraji yunse. Guruji seena prel April 1995 ग्रेटर कलाश नई दिल्ली में मिलती है उनकी मुलाकात वहां पर होती है तो गुरु जी उनसे पूछते हैं आपकी समस्या है क्या और क्या ठीक करवाना चाहती हैं तो समस्या से अवगत होने पर ना वो उन, उनको कहते हैं चलो ऑपरेशन करते हैं जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो गुरु जी को तो खैर पहले ही समस्या सारी पता होती है बट सिर्फ एक बातचीत का तरीका उनका होता था तो उन्होंने बोला चलो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के नाम से तो वैसे ही मीरा जी डर गई कोई भी हो वो डर ही जाता है ये नाम सुन के सो गुरु जी क्या करते हैं उनको कमरे में ले जाते हैं और जहां जहाँ उनका वो जहां जहां पर प्रभावित था ना ये जो जो भी उनको दर्द हो रहा था वहां पर गुरु जी चमच रख चमच उन्होंने रख दिया और फिर उनकी गर्दन को जोर से बाई और, और दाई और उस तरह से उन्होंने झुकाया और मीरा जी को बहुत दर्द हुआ जब वह ठीक हुई हुई ना तो गुरुजी ने कहा कि जलंधर में उनके पैर का इलाज करेंगे तो देखिए इतनी मह उनको वो दूसरी प्रॉब्लम का भी पता था उन्होंने बोला वो हम जलंधर में जाके करेंगे गुरु जी का तरीका होता था किस तरह से एक स्पून को लेके एक्सरे करना स्कैनिंग करना उनकी तो क्या बोले नहीं जान सकते वो क्यों करते हैं कैसा करते हैं और ये सब गुरुजी जानते हैं बट यस उन्होंने पूरा उनको इलाज भी किया और इस तरह से फिर ही हिस्सा कि ये जो पाओ का इलाज है या उनके जो भी है वो हम जलंधर में करेंगे तो गुरु जी सर लाइक इन जलंधर इस तरह से फिर उनको जलंधर आने का भी मौका मिला होगा जलंधर मंदिर में सो आगे पढ़ते हैं आफ्टर गुरु जी स्ट्रीटमेंट मीरा जी स्पाइनल प्रॉब्लम वैनिश अरे इतना तो उन्होंने सफर किया कैसे कि उनके डिवाइन हाथ से एकदम से वैनिश हो गई प्रॉब्लम But she still had pains in her joints. The fingers of her hands had swollen, and the joints looked like big knots. So Miraji told the Sadhguru about the problem one day. Guruji talked to her and began rubbing her hands. Miraji, engrossed in talking with Guruji, did not notice this. She kept on talking about what a problem her hands were her hands were facing. So finally, Guruji interrupted her and told her to take a look at her hands. They were all that she could have wished for. The fingers had become lean and tapering, the joints were not paining, and all this had occurred without her noticing. So Guruji had once told Miraji that he would not let her die, that he had given her 10 years more of life. He would keep saving her and would transfer her diseases.

और जोड़ बड़ी गांठों की तरह जैसे नॉट्स होते हैं ना गांठों की तरह लग रहे थे सो मीरा जी ने एक सदगुरु जी को अपनी समस्या के बारे में बताया एक दिन तो गुरु जी ने उनसे बात की और उनके हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया तो महसूस कीजिए कैसे गुरु जी ने हाथ पकड़ा होगा और साथ साथ बात करते करते रगड़ते होंगे सो मीरा जी तो गुरु जी से बात करने में इतनी मगन इतनी एंग्रॉस्ड इतनी तल्लीन थी ना कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गुरु जी साथ रगड़ भी तो रहे हैं सो so, क्या होता है वे अपने हाथों की समस्या के बारे में बात करती रही प्रॉब्लम बताती रही नॉट नोइंगी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू के यू नो तो क्या होता है अंत में गुरु जी ने उन्हें रोका और उन्हें अपने हाथों को देखने के लिए कहा वे वही तो थे जो वो चाहती थी क्योंकि उंगलियां पतली हो जाए और जोड़ों में भी दर्द नहीं हो रहा था और ये सब उनके ध्यान में आए बिना हुआ था मैजिक पता ही नहीं लगने दिया वो बात करती रही बताती रही नॉट नोइंग गुरु जी उनका हाथ पकड़ के कैसे रगड़ रहे हैं और किस किस तरह से दर्द को कम किया और कम से क्या गायब ही कर दिया और फिर गुरु जी ने मीरा जी को ये भी कहा कि वो उन्हें मरने नहीं देंगे अरे उन्हें दस साल और जीने का उन्होंने मौका दिया और ये भी कहा इतनी बड़ी बात की कि वो बचाते रहेंगे और उनकी बीमारियां दूर करते रहेंगे ट्रांसफर करते रहेंगे और उनके शब्द कहते कितनी बार सच साबित हुए वो तो है ही जो गुरु जी ने कह दिया पत्थर की लकीर ही केप्ट ऑन सेविंग हर एंड ही ट्रांसफर हर डिजीजेज एंड वर्ड्स आर प्रूवन ट्रू इन्यूमरेबल टाइम्स सो हू कैन गिव लाइफ जब गुरुजी ने कहा दस साल और अरे himself with विद कृपा विद his ग्रेस तो जिंदगी जो देता है वो ही जिंदगी लेता है किस्मत में शायद लिखा होता है कि हमारी मृत्यु अब होगी या जब भी होगी पर ये गुरुजी महाराज जो समय मृत्यु स्थान सबसे ऊपर है वो ही उनको ही पता है मृत्यु तो आनी आनी है वो तो निश्चित है हैज़ टू गो वन डेइ इन एविटेबल ये दुनिया का सच है कि ईश्वर है और एक मृत्यु है जो इन चीजों को नहीं मानते तो है मृत्यु तो आनी आनी है बट गुरु जी ने वो प्रसाद के रूप में अपने प्यार के रूप में दस साल और गुरु जी ने कहा दिए और कहा वो बार बार बचाते रहेंगे so जान ही नहीं सकता इंसान सो so आगे बढ़ते हैं उनका जो अगला सत्संग है मीरा जी का रिमूविंग स्टोन फिल्ड गोल ब्लैडर गोल ब्लैडर जिसको हम पिताशय कहते हैं ना तो किस तरह से वो भरा हुआ था मीरा जी का ना गोल ब्लैड पथरी से तो और किस तरह से गुरु जी ने ठीक किया वो पढ़ते हैं मीरा जी सफर फ्रॉम इन दबेस्टिगेशन रिवील वॉज पैक्ड विद स्टोन द लार्ज वन वन वर्ड मोर देन हाफ एन इंच and थिंक एंड her medication but told her that surgery was the only solution तो क्या होता है पथरी की वजह से फिर दर्द तो होता है ना जब पथरी होती है तो मीरा जी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मेडिकल जांच से यह पता लगा कि जो मीरा जी का पित्ताशय होता है ना उसमें काफी पथरी भरी हुई थी इट लाइक सिंपली पैक्ड यू नो सो बड़े बड़े जो पथरी थे ना वो आधे इंच से भी ज्यादा मोटे थे और डॉक्टर ने दवाई तो देना शुरू किया पर ये कहा कि हाँ भाई सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है और नहीं ये तो है ये जब बहुत बड़े उस तरह के स्टोन्स होते हैं फिर वो सर्जरी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं So Guruji was in Chelandar and advised Miraji to go for the operation when he returned to Delhi. She told him she could not bear the severe pain. Guruji put his hands. Guruji put his hand on the spot and the pain ended. Miraji waited for Guruji to return to Delhi and then got the surgery done. Her gall bladder was removed successfully. जब गुरुजी जी जलंधर में थे ना तो वो मीरा जी को सलाह देते हैं कि जब तक तो वो दिल्ली में वापस ना ना आ जाए तब तक ऑपरेशन नहीं करवाना है पर फिर मीरा जी बहुत ज्यादा उनको पेन हो रही थी उन्होंने गुरु से कहा कि देखिए गुरु मेरा बहुत दर्द मेरे को हो रही है मेरे से सहन नहीं हो रहा है तो गुरु जी क्या करते हैं अपना डिवाइन हाथ अपना हाथ उनके ऊपर रखते हैं और दर्द बंद हो जाता है ये होता है ईश्वर ईश्वर का ईश्वर की महिमा ईश्वर की कृपा जैसे ही हाथ रखा दर्द बंद हो गया और फिर अपने गुरु जी का वचन तो उन्होंने पालन करना ही था तो मीरा जी ने जब तक तो गुरु जी वापिस नहीं ना आए दिल्ली में तो उन्होंने इंतजार किया और फिर ही सर्जरी करवाई और पथरी से जो भरा हुआ उनका गोल ब्लैडर था ना तो उस, तो उस तरह से फिर वो निकल गया मतलब उनका जो ऑपरेशन था ना वो अच्छा ठीक हो गया एंड द वॉज रिमूव सक्सेसफुली देखिए जब उन्होंने कहा मीरा जी ने गुरु, गुरु जी नहीं मेरे से सहन नहीं हो रहा अब गुरु जी ये भी कह सकते थे नहीं सहन तो करना पड़ेगा अब जो भी है भाई पर नहीं उन्हें उन्होंने उनसे उन्हों देखा नहीं गया अपने भक्त का दर्द उन्होंने अपने डिवाइन हाथ रख दिया और दर्द को गायब कर दिया बिकॉज बहुत भयानक दर्द होती है फिर ऐसे इट्स इट्स अनबेरेबल सो इस तरह से गुरु जी ने देखिए उनकी जिंदगी में कैसे 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 कुछ हमारे कार्मिक ही होते हैं जो हमारे हमें बहुत कोई ना कोई कोई ना कोई स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ और गुरु जी पता नहीं क्या होने वाला था जो गुरु जी ने पहले भी कहा ना मैं ट्रांसफर करता रहूंगा तो कैसे 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 उनको बचाते रहे और प्रॉब्लम से दूर भी आ, उनको करवा दिया तो ये सब उनकी मेहर है आगे पढ़ते हैं ओके तो आगे ये है कि होस्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एफ्लिक्टेड मीरा So Miraji ko Her sugar level remained in constant flux, going up and down whimsically. As a result, her left eye began to get affected and there was significant vision loss. Miraji went to the Sir Gangaram hospital and got an angiography of the eye item. It showed leakages. The doctor said the eye should be operated upon within a week. तो देखिए मीरा जी को हर तरफ से स्वास्थ्य की हेल्थ की समस्याओं ने घेर लिया था और जो उनका शुगर लेवल था ना इट वाज इन इट वाज इन अ कांस्टेंट फ्लक्स चेंज होता रहता था लाइक अ यो यो कभी उपर, कभी ऊपर नीचे और क्या हुआ क्योंकि जब शुगर लेवल की वजह से आंखों को फिर फर्क पड़ जाता ना विजन का क्या हो गया उनकी बाई आंख उससे मतलब असर हो गया था उनकी दृष्टि काफी कम हो गई थी और फिर मीरा जी गई उधर गंगाराम अस्पताल में गई और आंख की उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई उसमें ना वो सा दिखा था उसमें इस तरह से लीकेज सी कुछ तो इस तरह से रिसाव दिखा तो डॉक्टर ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ही आंख का ऑपरेशन करवाना होगा तो डॉक्टर ने बोल दिया विदिन अ वीक अब हालत खराब है विदिन अ वीक यू हैव टू गो फॉर दिस ऑपरेशन तो क्या होता है इट वॉज अ एंड Uh, not wishing to take any step without Guruji's approval. The So it was Tuesday, and Miraji was uh, not wishing to take any step without Guruji's approval. Told doctors she would ask her husband about the date. The attending doctor said it was her eye that mattered, not the husband's. But steadfast, Miraji went to Guruji. The Sadhguru picked up one of the many garlands lying at his feet and gave it to her. When her eye was tested, the doctors were stunned. It had healed of its own accord. No tests were required. There was no question of surgery. तो देखिए क्या होता है मंगलवार का दिन होता है और मीरा जी अः मतलब उस तरह से गुरु जी की इजाजत और अनुमति अनुमति के बगैर तो कदम उठाना ही नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि पहले वो अपने पति से डेट के बारे में पूछेंगी तो डॉक्टर ने कहा ये उनकी आंख की बात है ना कि उनके पति की तो फिर उनको मतलब इस तरह से पति से पूछने की थोड़ी जरूरत है सफर तो वो कर रही है पर क्या होता है जब उनकी आंख की जांच की गई ना तो डॉक्टर दंग रह गए हैरान हो गए ये तो अपने आप ही ठीक हो गई थी अब आगे किसी जांच की तो जरूरत ही नहीं थी और मतलब जांच की जरूरत नहीं थी तो सर्जरी का तो सवाल ही कहां से पैदा होता है कहते इवन नॉट रिक्वायर्ड लेट अलोन सर्जरी तो डॉक्टर्स दंग रह गए ना तो तभी गुरु जी बोलते हमेशा असी तो डॉक्टर हैरान कर देते ऐसे तो डॉक्टर ही हैरान कर देते तो, तो डॉक्टर्स हैरान हो जाते थे अभी ये क्या इतनी प्रॉब्लम ये कैसे कैसे वैनिश ये कौन कर सकता है ये सिर्फ रब कर सकते हैं सो so, आगे पढ़ते हैं कैंसर पैचेज एक्सरे पर ना कैंसर के धब्बे होते हैं पर वो ना गायब हो जाते हैं अब देखते हैं ये सब गुरुजी की महिमा पढ़ रहे हैं हम कहते हैं गुरु जी ग्रेज फेल ऑन मीराज हसबेंड टू देर वॉज अ व्हाइट पैच इन साइड हिस्स माउथ एंड डॉक्टर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड कैंसर बट वेड फॉर अप्सी टू बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस तो गुरु जी की कृपा सिर्फ मीरा जी पे नहीं हुई उनके पति पति जी पे भी हुई कहते हैं उनके पति के मुँह के अंदर ना एक सफेद धब्बा था और क्या होता है डॉक्टरों को थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि नहीं ये तो कैंसर लग रहा है ये पक्का कैंसर ही होगा लेकिन फिर भी इस चीज की इसकी कंफर्मेशन के लिए ना वो कहते हैं कि नहीं विल वेट फॉर द बायोप्सी Or uh, The couple meanwhile went to the Subdarjang hospital where doctors said more or less the same thing. Miraji hurried to Guruji with a problem and he said, Majkar, Maj. Miraji maj. was surprised, but Guruji's words were meant. By way of bestowing a blessing, the biopsy showed no patches in the mouth, yet the previous x-ray done at 2 a.m. the night before still showed the patches. Oh, doctors were confounded. The patches had disappeared overnight, and Miraji's joy knew no bounds. And Guruji does everything immediately for her, says the Lady of Faith. तो देखिए क्या होता है इस बीच दोनों पति पत्नी ना क्या करते हैं सफदरजंग अस्पताल जाते हैं जहां डॉक्टरों ने भी तकरीबन वही बात बोली तो फिर अब तो फिर समस्या उनको बहुत ज्यादा लगी बहुत टेंशन में आ गए होंगे तो उन्होंने क्या किया तो मीरा जी अपनी ये प्रॉब्लम लेकर गुरुजी के पास जाती हैं और गुरुजी क्या बोलते हैं मौज कर मौज भी खेफ्री तो ये गुरु जी का बोलना मौज कर वो ही अपने आप में इतनी बड़ी हीलिंग दे देता है जब गुरु जी ने कह दिया मौज कर फिर कोई और परेशानी आ ही नहीं सकती तो मीरा जी को थोड़ा उस तरह से हैरानी तो जरूर होती है पर लेकिन गुरु जी के शब्द उनको ब्लेसिंग देने के लिए थे आशीर्वाद देने के लिए थे तो क्या होता है जब बायोप्सी की जाती है ना तो मीरा जी भी और डॉक्टर भी सब हैरान हो जाते हैं अरे मुंह में तो कोई धब्बा ही नहीं है कहाँ पहले तो धब्बे थे फिर भी उस तरह से ना पिछली रात को तो अभी दो बजे किया गया था ना वो एक्सरे उसमें तो धब्बे दिखाई दे रहे थे डॉक्टर हैरान हो गए अरे धब्बे तो रात भर में गायब हो गए ये हुआ क्या सो so, मीरा जी यू नो हर जॉयो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और इस तरह से कहते गुरु जी ने उनके लिए सब कुछ कहा uh, सब कुछ किया सेज दिस ऑफ फेथ जिनका अपना विश्वास बहुत पक्का था कि उन्होंने उन, उनका विश्वास ही तो था ना जो जीत गया हर चीज में विश्वास ही होता है जो ईश्वर को ईश्वर बनाता है तो विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए अः uh, कई बार होता है अभी इनके केस में क्या हुआ गुरुजी ने सब कुछ ठीक है कई बार होता है किसी का वो नहीं भी ठीक करते मौका मिलता है इंसान को वो सब भुगतने का पर उसमें भी भलाई होती है वो सब कल्याण ही है कई बार किसी को सफर भी करना पड़ता तो उसके उस, उसका भी कल्याण ही है बिकॉज यू नो अदेन टू बियर एवरी थिंगो ऐसे ही किसी, किसी ने नीम करोली बाबा जी को भी कहा बड़े उदास होके नाराज होके आपने बाबा उसका क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया तो बाबा कहते मैं कर सकता था अरे भाई उसको अगले जन्म में फिर आना पड़ना था फिर सब कुछ भुगतना पड़ना था इसी करके सो वेन हीट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग तो उसमें उसी उ, उसमें सिर्फ हम शक्ति मांग सकते हैं और उसको आ, सफर करने की और इंजोर करने की भी आ, शक्ति आ, गुरु जी ही देते हैं सो so, ये आगे बढ़ते हैं सत्संग और रिटर्न टू कॉन्शियसनेस चेतना की और वापसी कैसे होती है Kidam Miraji's husband, Mr. Kapoor, who runs a wholesale garment business, had to travel to the Punjab to collect some payments. He booked his two and fro ticket for travel on the Shatabdi. But when he reached railway station with money in hand, there was too much fog. He abandoned his plan to travel by train and decided to take bus to Delhi. He phoned up his home and said he would reach by 10.30 p.m. क्या होता है जो मीरा जी के पति हैं श्री कपूर जी उनका ये होलसेल का काम होता है ना होलसेल का बिजनेस करते हैं कपड़ों का और कुछ पैसों के लिए ना कुछ भुगतान लेने के लिए पंजाब जाना था उन्होंने उनको काम के लिए सो वो शताब्दी में यात्रा के लिए ना ट्रेवल करने के लिए आने जाने का टिकट ना वो बुक कर लेते हैं लेकिन जब वो पैसे लेकर जलंधर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं ना तो देखते हैं बहुत फॉग है बहुत घना कोहरा होता है तो वो कहते हैं अब ट्रेन से यात्रा करने की तो यो योजना मुझे

Mira asked, Miraji asked her brother-in-law who was with her to confirm the identity of the caller. The policeman said Mr. Kapoor was in no condition to talk to her and they were talking to him. Uh, they were taking to him, sorry, they were taking to him to Hindurao Hospital. So क्या होता है मीरा जी को ना फोन आता है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से आता है रात के एक बजे थे आप सोच सकते हैं किसी को रात को एक बजे फोन आए तो क्या फील होता है बंदे को क्या होता है पुलिस वाले बताते हैं कि उनके पति डिपो जाने वाली बस में ना बेहोश पड़े हुए हैं और मीरा जी अपने साथ जो उनके साथ देवर होता है ना तो उनको बोलते हैं ये तुम फोन पे बात तो करो ये आइडेंटिटी तो देखो ये सही भी कॉल है कि नहीं है पुलिस so, वालों ने बताया कि देखिए जो श्री कपूर जी है ना आपके हस्बैंड वो बात करने की हालत में है ही नहीं है अब हम उनको अस्पताल लेकर जा रहे हैं अब क्या होता है ये सब सुन के डिस्ट्रेस्ड फैमिलीड प्रोवाइडेड नॉट गेन कॉन्शियसनेस मीरा जी अप्रोच गुरु जी टोल्डर टू अर हसबेंड एंड शी शुड नॉट वरी तो देखिए सारा परिवार कितना परेशान होगा और जब वो अस्पताल जाते हैं देखते हैं देखते कैसा अस्पताल है यहाँ पर मतलब उस तरह से देखभाल नहीं हो रही है तब तो वो सोचते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा करवाने का फैसला करते हैं लेकिन अभी भी उनको होश नहीं आया होता तो फिर मीरा जी गुरु जी के पास जाती है जो बताते हैं कि उनके पति को कुछ नहीं हुआ है इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है सो आफ्टर द सदगुरु स्टेटमेंट हर ट्राई टू स्पीक अ फ्यू हजबीकर्स एट द हॉस्पिटल To shake him up. When he तो क्या होता? जो गुरुजी ने कहा था उनकी ब्लेसिंग के साथ क्या होता है हॉस्पिटल में इनके पति पहली बार थोड़ी सी हरकत करते हैं और उस तरह से कुछ शब्द भी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और डॉक्टर भी कोशिश करते हैं उनको हिलाने की और जब वो पूरी तरह होश में आ जाते हैं न, तो ये जो डॉक्टर होते हैं मीरा जी को सलाह देते हैं कि देखिए तीन महीने तक आपको अपने पति की सेवा में रहना है उनके पास रहना है क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए उस तरह से कभी भी वो बेहोश हो सकते हैं या ब्लैकआउट आ सकते हैं पर ये सुन के ना मीरा जी को ये लगता है कि बिकॉज मीरा जी न्यू दिस वॉज एन इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट टू मीट बिकॉज शी है they ran guruji however told her that she was that she was not required to be at his side and their husband was fully okay so it was he suffered no blackouts at all dekhiye jab ye sara doctor se sunti hai na to meera ji ko andar se pata hota hai ye doctors jo keh rahe hai na ye ho hi nahi sakta asambhav hai और अब कोई तो चाहिए ना कपड़ों की दुकान पर ये कैसे हो सकता है कि तीन महीने वो उधर से हिले ना तो दुकान कौन चलाएगा तो जो जीने के लिए तो जीवन का निर्वाह करने के लिए तो पैसों की भी तो जरूरत पड़ती है ना तो उन्होंने कहा कि कपड़ों की दुकान पर तो मुझे जाना ही होगा ये तो इम्पॉसिबल है ये जो डॉक्टर्स बता रहे हैं सो so, हालांकि गुरुजी ने भी उनको कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं उनको अपने हस्बैंड के पास इस तरह से रहने की क्योंकि उनके पति पूरी तरह से ठीक है और ऐसा ही हुआ उनको बीच में कोई भी ब्लैकआउट्स नहीं आए ये सब उनकी मेहर सब उनकी मेहर और सो so, uh, आगे पढ़ते कहते हैं बाद में ना इनको ये पता चलता है क्या पता चलता है देखते हैं इट टर्न्ड आउट दैट कपूर द बस द पैसेंजर हिम सम And had some himself too. The next thing Kapoor knew was the hospital room. The family was disappointed, they had lost a lot of money. But Guruji said their problems had gone and they shouldn't worry. He would provide more. Miraji says time has proved that his munificence has exceeded expectations and met more than their needs. तो देखिए क्या होता है ये बेहोश कैसे होते हैं वो कहते हैं जब जिस बस में कपू मिस्टर कपूर जी जा रहे होते हैं ना इनकी दोस्ती हो जाती है जैसे बस में कोई आप साथ में बैठा ही होता है तो बातचीत करके दोस्ती हो जाती है तो वो क्या करता है बिस्किट देता है इनको खाने के लिए और खुद भी खाता है और बाद में तो इनको कुछ याद ही नहीं रहता बिकॉज होता है ना लोग बस में ऐसे होते हैं बिस्किट्स में कुछ मिला के खिला देते हैं फिर पैसे ले जाते हैं तो क्या होता है तो मिस्टर कपूर जी को कुछ नहीं याद रहता बस बिस्किट तक याद रहता बाद में तो फिर वो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में होते हैं और क्योंकि पैसा काफी था तो सारे परिवार को दुख तो होता ही निराशा भी होती है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया लेकिन गुरुजी ने कहा कि उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी है वे और दे देंगे अरे और दे देंगे वो तो मीरा जी कहती है कि और ये समय ने दिखा भी दिया कि जो उनकी उदारता है ना उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर आई और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो क्या है गुरु जी इज जेनरस इज एंड कहते ना जब करम आले नबी का शरीक होता है तो बिगड़ बिगड़ कर काम ठीक होता है तो चाहे इंसान को लगता है उस टाइम पे मेरे काम बिगड़ रहे हैं पर वो ठीक हो रहे होते हैं गुरु जी ने कहा अरे क्या हो गया मैं और पैसा दे दूंगा और हुआ भी उनके साथ हुआ भी उनके साथ उनकी सारी समस्याएं भी दूर हो गई और देखिए उस तरह से जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा ही दिया गुरु जी ने तो उनकी जिनरोस्टी दिखाता है भगवान की सो so, देखिए नहीं तो कुछ भी हो सकता था बेहोश पड़े थे बस में कुछ भी हो सकता था कोई मारकर भी जा सकता था कुछ भी होता है पर ये गुरु जी की रहमो नजर तब भी थी जब उन्होंने बिस्किट खाए होंगे सब कुछ हुआ अगर कैसे बचा कर रखा है बचा के रखते हैं उन्होंने कहा भी ना बचा के रखूंगा सिर्फ पर ही कृपा नहीं की उनके पति पर भी और आगे बढ़ते हैं मेरिकल्स ऑन फिलग्रे Pilgrimages to Guruji. Guruji says uh, jo bhi jana unka hua, kis se ke miracles huwe? Mr. Kapoor, Miraji, and her mother-in-law were going to Chandigarh to have Guruji's darshan. They reached at night and Guruji told them to return that same night. They left for Delhi at around 2 at night, appreh apprehensive because of the prevailing terrorism.

With not a soul being seen on the dark, unlit road that cut a swathe through the fields. क्या होता है ना उनकी चिंता बहुत बढ़ जाती है कि अभी हाईवे तो बंद हो गया क्योंकि चंडीगढ़ चंडीगढ़वाला का हाईवे तो हाईवे का कुछ हिस्सा बंद कर, कर दिया गया था ना तब उनको पंचकुला के थ्रू जाना था वाया पंचकुला होकर जाना था और वो बड़ी डरावनी रात थी बड़ी भयंकर रात थी उनके लिए क्योंकि अब उनको खेतों के बीच से गुजरने वाली रस्ते से जाना था और अंधेरी सड़क थी कोई दिखा नहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था नॉर्व में सिंगल सोल वज

और उनकी सास थोड़ी सी ना वो मतलब उस तरह से विश्वास नहीं करती हैं और और वो मतलब अंदर से नाराजगी कह लो या कुछ कह लो आई मीन थोड़ा जब उन्होंने मतलब प्रार्थना करती है ना गुरु जी को तो वो इतना वो विश्वास नहीं होती है उनको लगता है कि अब गुरु जी इस, इस जगह पर रातों रात आके कैसे मदद कर सकते हैं सो आगे क्या होता है Their anxiety increased as, as the Chandigarh Ambala stretch of the highway had been closed and they had to go through Panchkula. It was an eerie night with not a single, uh, not eerie night with not a soul being seen on the dark, unlit road and cut a way through the fields. So Miraji prayed hard for Guruji for direction. Her mother in law was mildly caustic, wondering how Guruji could help them out in the middle of nowhere. Just then two men out of the fields. They were on a motorcycle and had huge, uh, huge, huge beards. Sorry. पूरी दिल से आत्मा से प्रार्थना की पता नहीं कहा से दो इंसान दो आदमी ना खेतों में से निकलते हैं दोनों मोटरसाइकिल पे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी ह्यूज दाढ़ी होती है एंड मीरा जी that she could दैट सो दैट distance to टू highway.

तेरह किलोमीटर की दूरी है तो मीरा जी नहीं मानती क्योंकि वहां साइन साइनबोर्ड ही नहीं था और ये इतनी सुनसान सड़क थी और ये सिर्फ तेरह किलोमीटर दूर हो कैसे सकता है uh, तो इस तरह से फिर वो क्वेश्चन अगेन टू हर एंडियर ऑफ द मैनोजीड इनपर इज इन किलोमीटर तो मीरा जी को शक तो होता ही उनको और उनके सास को भी डर था लगता है भी नहीं है तो आतंकवादी ही लगते हैं ही। तो उनमें से एक आदमी पता क्या करता है मीरा जी के काफी क्लोज आ जाता है करीब आ जाता है और गहरी डीप आवाज में है वास्तव में थर्टीन किलोमीटर किलोमीटर सो हार्डली ट्रेवल and exactly 13 हंड्रेड later किलोमीटर road came out in front of prince hotel and they were on the highway who had दो सौ मीटर ही चले ना, तो उनको एक साइन पोस्ट मिल जाता है जहां पर तेरा किलोमीटर ही लिखा होता है और ठीक तेरा किलोमीटर बाद प्रिंस होटल के सामने वो सड़क आ जाती है और वो उनको पता लगता है तो हाईवे आ गया अब कहते हैं सोचने वाली बात है रात के अंधेरे में खेतों से निकल निकल कर है ना हाईवे में दूर हाईवे की दूरी पर बताए कौन आ गया ऑफ सो so ये ईश्वर ये ईश्वर की महिमा है क्योंकि उन्होंने अंदर से प्रार्थना की गुरु जी मुझे रास्ता दिखाए डर तो उनको लगता ही है पर गुरु जी जहां अपने पास बुलाया तो गुरु जी फिर जिम्मेवारी भी लेते हैं ना उस भगत को पूरी तरह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की तो उन्होंने जब आत्मा से प्रार्थना की तो दो आदमी आए मोटरसाइकिल के ऊपर थे उन्होंने सारा बताया और एक ने गहरी आवाज में बोला अरे तेरह किलोमीटर पर इनको विश्वास नहीं हुआ पर फाइनली जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर खुद ही उनको लगता है कि देखिए यू नो कौन आया इन द मिरल ऑफ नो वे टू हेल्प सो इस तरह के गुरु जी के सत्संग है जो बहुत ही बहुत प्यारे सत्संग है सत्संग से ये गुरु जी की महिमा के बारे में पता चलता है कि ईश्वर क्या नहीं करता अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करता हर परेशानी में साथ होता है हर परेशानी में सो so, आगे बढ़ते हैं जी गोस है गुरु जी गोज टू हैव चाट गुरु जी चाट खाने जाते हैं दो गुरुजीज है कई बार तो जो गुरु जी मदद करते हैं ना वो नजर आती है पता लग जाता है परीके पर होते हैं ना वो रसमयी होते हैं बिल्कुल रसमयी होते हैं बिल्कुल मिस्टिकल वेज होते हैं ना दे आर एपरेंट एट टाइम्स बट एट टाइम्स ऑफ माइंडक्सप्लेनेबल अनफैटमेबल Enigmatic and mysterious. So, get the help though Guruji's help can be obvious at times, mostly he works in mysterious ways. His wonders to perform it is quite futile to cuddle your brains to understand his actions or his words. The following experience shows that his outer actions are connected to working out his dis disciples' karma. At least, that is what he would have. और अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना तो दिमाग को खपाने वाली बात होती है इट जस्ट लाइक रैकिंग योर ब्रेन यू नो इट जस्ट मे बी हिरिंग योर हेर अगेंस्ट द वॉल नहीं इंसान समझ सकता तो कहते हैं ये जो नीचे लिखे अनुभव से ना हमें यही पता चलता है किस तरह से जो भी संगत के किस तरह से कर्म को किस तरह से वो उस तरह से अपनी मेहर से खत्म भी करते हैं और मदद भी करते हैं कहते हैं कम से कम अब तक तो उन्हें उन्होंने हमें यही समझाना चाहा है बाकी कौन जानता है कौन जाता है वॉट ही ट्रूली डज यू नो वी कैन नेवर अंडरस्टैंड किस तरह से हिज आउटर एक्शन जो वो बाहर से नजर आते हैं ना उनके एक्शन हमारे कर्म्स के साथ जुड़े होते हैं वो हम समझ नहीं सकते हैं We can never ever understand. His ways are very mysterious, but full of blessings. Aage <inaudible> Guruji had asked Meera and ji and Mrs. Sabarwal to go to Bade Mandir, a distance of around 2 kilometers from Gurgaon, where they lived. They were doing so regularly, and one evening, as they were travelling to the temple, they noticed Guruji's white Contessa car parked outside Bristol uh, Bristle Hotel. <inaudible> तो गुरु जी ने मीरा जी और श्रीमती सुबर आ, आपने सबरवाल जी जो गुड़गांव में जहाँ वे रहते थे ना उधर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी दूरी पर ही था मंदिर बड़ा मंदिर तो वहां जाने के लिए कहा और वो वैसे भी जाते रहते थे नियमित रूप से सो so, एक शाम जब वह मंदिर जा रहे थे ना उन्होंने देखा अरे गुरु की तो सफेद कौन जैसा का होटल के बाहर खड़ी है So naturally, they rushed over to Guruji. Guruji was in an affable mood and they pressed their advantage, talking to him for over half an hour at the spot. Then Guruji expressed a desire to have char, and the Sangat was given. Uh, Sangat was taken to Manesar at uh, Haldirams, a popular eating joint. देखिए वे दोनों वहां पहुंचती हैं और गुरु जी बड़े एमियेबल बड़े फ्रेंडली बड़े खुश मूड में लग रहे थे और सोच, उन्होंने सोचा अभी मौका उठा लो गुरु जी फिर पता नहीं गुरु जी का क्या मूड हो जाए तो उन्होंने मौका क्या उठाया उस मौके को लेते उन्होंने आधे घंटे तक आधे घंटे से भी लगभग अधिक समय तक उन्होंने बातचीत की और गुरु जी ने फिर अपनी इच्छा व्यक्त की मुझे चाट खाना है और यही उनके मिस्टीरियस वेज होते हैं ना और संगत को मानेसर ले जाएगा जहां हल्दीराम जी की दुख... मतलब हल्दीराम के उधर चटपटी चाट खाने का उन लोगों ने आनंद लिया कहते हैं और गुरुजी चोज टू तो रेस्ट ऑन द लॉन्स एट हल्दीराम्स ही द संगत मेकिंग क्वाइट अ ओवर They took out their handkerchiefs and fanned him. A chunni became his pillow. A doctor standing nearby, such as Guruji's sport, came over to the group. He wanted to know if the group needed any medical help. For the man lying on the ground did not seem okay. He was assured that everything was all right and turned away. और संगत तो फिर वैसे एक्साइटेड हो होगी अरे गुरु जी ने आराम करना है उन्होंने लेटना है तो किसी ने अपना रूमाम निकाला किसी ने हवा देनी शुरू की किसी ने चुन्नी को तकिया बना लिया सब कोई होता है ना संगत के गुरु जी को आराम से लेटाएं और उनको कोई परेशानी ना आए तो गुरु जी के पास ही ना फिर एक उधर डॉक्टर था एक उन्होंने कहा ये ये आदमी लेटा कौन हुआ है मैं अब जाके पूछू तो सही अभी ठीक भी है कि नहीं अब इसको क्या बताए तो गुरु जी लेटे हुए हैं तो वो फिर वो सब बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है

when were they expected back she told guruji that the couple were in manali and would return soon soon the excursion was over and everyone went home happy it was a month later that the real reason for the haldiram visit became no तो देखिए जब सब ने बड़े आराम से प्यार से चाट वगैरह खा ली ना तो गुरु जी क्या करते हैं मीरा जी को अपने पास बुलाते हैं मीरा जी कहती हैं मुझे आज भी याद है कि किस तरह से गुरु जी ना उनके परिवार के बारे में सब सदस्यों के बारे में इतनी बारीकी से मिटिकल उस वे में सारा कुछ पूछा भी कैसे है क्या है और उनकी बेटी और दमाद के बारे में पूछा भी वो है कहाँ और कब वापस आने वाले थे कि गुरु जी को तो सब पता है कि वो कहाँ थे कब आने वाले क्या होगा तो तो ना उन्होंने गुरु जी को बताया कि देखिए गुरु जी दोनों मनाली है मतलब वहां घूमने गए और जल्दी वापस आ जाएंगे कहते जब ये सारा आ, सब संगत का इस तरह से हो गया ना सब खुश होकर अपने घर लौट गए और एक महीने बाद हल्दीराम आने का असली कारण पता चला कि गुरु जी वहां क्यों ले जाए क्या ब्लेसिंग उनके तरीके निराले जान ही नहीं सकता इंसान सो आगे पढ़ते क्या होता है miraji's daughter and her son-in-law had an accident while their new car was at a red light a truck rammed the vehicle from the rear the car was smashed miraji's daughter called her mother up and prayed that she communicate the mishap to guruji miraji rushed to empire state late at night she found guruji standing inside the hall as if waiting for her she told him that an accident had occurred and guruji told her where it had occurred at a greater kalash roundabout. She told him that her son-in-law was being taken to Ames when Guruji gently reminded her that they were going to the Vasant Kunj-based uh, Spinal Cord Injury Centre as indeed her daughter had called up to tell her at the last minute a worried Meera was slow to realise that it was Guruji who was giving her all the details of the accident. So कहते अः क्या होता है ना मीरा जी की बेटी और जो इनके दामाद है ना उनकी दुर्घटना हो गई हो गई होती है जब वो राउंड अबाउट आता है ना तो उनकी कार ना जो नई कार थी लाल बत्ती पर थी ट्रैफिक लाइट्स पर ना और पीछे से एक ट्रक आता है गाड़ी को टक्कर मार देता है और कार टोटली स्मैश चकनाचूर हो जाती है तो मीरा जी की बेटी क्या करती है उनको फोन करती है अपनी माँ को पूरी दुर्घटना के बारे में बताती है और ये कहती है कि प्रार्थना प्रार्थना भी करती है कि देखिए गुरु जी को हमारी इस दुर्घटना के बारे में बता दो तो मीरा जी फिर बिल्कुल पहुंच जाती है बाइट स्ट्रेट गुरु के पास और गुरु तो पहले ही वहां खड़े हुए थे जैसे कि मीरा जी का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने गुरुजी को सारा बताया दुर्घटना कैसे हुई गुरुजी ने बताया ये भी बताया गुरुजी ने खुद बताया कि दुर, दुर्घटना कहाँ हुई थी ग्रेटर कैलाश के राउंड अबाउट गोल चक्कर पर हुई थी फिर उसने बताया कि उसके दिमाग को एम्स ले जाया जा रहा है तब गुरुजी ने उनको याद दिलाया कि वो वसंत कुछ में जो रीढ़ की हड्डी के केंद्र में जा रहे हैं और जैसा कि उसकी बेटी ने आखिरी समय में उसे बताने के लिए सारा फोन किया था ना और मीरा जी तो इतनी चिंतित थी वरिड थी कि उनको ये समझने में देरी लग गई कि असलियत में गुरु जी सारा उनको इस दुर्घटना के बारे में बता रहे थे इनको लगा ना ये जानकारी दे रही तो गुरु जी सारा कुछ बता रहे थे नो so Had let no hurt come to his devotees' children. The omnipotent master had let no hurt come to his devotees' children, though her son in law's face had swollen. He had no pain, and there was no internal injury. गुरु जी ने अपने भक्त के मीरा जी के बच्चों पर कोई चोट नहीं पहुंचने दी चलो वो थोड़ा सा उनका चेहरा जरूर सूझ गया था उनके दमाद दमाद जी का पर कोई दर्द नहीं था और उस तरह कहते ना कोई इंटरनल इंजरी इंटरनल इंजरी फिर खतरनाक हो जाती है वो नहीं होने दीखली सो so, uh, कहते मीरा जी वॉज टोल्ड एट द टाइम ऑफ द दे एक्सीडेंट देखिए जब एक्सीडेंट हो रहा था ना तब क्या हुआ मीरा जी को बताया गया एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट गुरु जी क्या जब गुरु जी हमने खुद भी देखा जब गुरु जी ऐसे तेज तेज चलते थे ना पता नहीं किस भगत का तब uh, क्या कल्याण कर रहे होते थे मीरा जी मोस्टोलटेंट गुरु जी क्या वॉकिंग इन साइड इज रूम हर सन इन लॉस पेन अपॉन हिमसेल्फ एंड टोल्ड हर I am with you, do not afraid. Miraji says that Guruji had foreseen the accident a month ago, and during the chart excursion, and that by merely asking about her family, he had prevented certain disaster. Look at Guruji's shaktiman Paramatma. उन्होंने कहा नहीं मेरे भगत के बच्चे हैं इन पे मैं कोई भी उस तरह से आंच नहीं आने दूंगा तो जरूर उनके जो दामाद जी हैं उनका फेस थोड़ा उस तरह से सूज गया था पर पेन नहीं थी कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी और मीरा जी को बताया गया कि जब एक्सीडेंट हो रहा था तो गुरु जी अंदर ऐसे चलते रहे और उन्होंने उनके दमाद का सारा दर्द सारी पेन अपने ऊपर ले ली और क्या बोला मी, आ, मीरा जी को गुरु जी ने आई एम विद यू अरे मैं तुम्हारे साथ हूं डोंट बी अफ्रेड डरो मत मीरा जी से गुरु जी एट अरे उन्होंने तो पहले एक महीना पहले ही पता लग गया था कि एक्सीडेंट होना होने वाला है तभी तो जब चार्ट खाने के लिए बोला ना गुरु जी ने तो उस टाइम जब गुरु जी मीरा जी से पूछ रहे थे ना वेयर इज इज योर योर सन इन लॉ उस टाइम वो कल्याण कर रहे थे ताकि ये जो डिजास्टर होने वाला है उसको टाल टाला जाए ये तरीका होता है कई बार गुरुजी ने किसी का हाल चले से बार बार पूछना तो वो कल्याण ही कर रहे होते थे एक महीने पहले ही उनको पता था किस तरह से क्या होने वाला है गुरु जी देखिए किस तरह से रक्षा की पूरी कार स्मैश हो गई सब कुछ उस तरह से चकनाचूर तो इंसान देखिए किस तरह से बचा लिया कहाँ कहाँ इंसान मतलब कहते हैं ना पूरे शरीर में भी जीबे लग जाए तो आप नहीं शुक्राना कर सकते नहीं शुक्राना कर सकते महाराज जी का ईश्वर का तभी तो गुरु जी ने कहा जितने जिनने मर्जी जन्म ले लो शुकराना थोड़ी कर सकते हो ये तो उनकी मेहर है ये जो सत्संग भी करवाते हैं ये भी एक इतनी बड़ा उन्होंने एक ब्लेसिंग बख्शी है नहीं तो काबिल ही नहीं है जिनकी अः कहते हैं ना जिनकी स्तुति देव देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं इतने बड़े और वो हमें मौका देते हैं ये तो सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है सो देखिए किस तरह से गुरु जी ने वो दुर्घटना को टाल दिया पहले ही पता था क्या होने वाला है और बस देखिए एक एक सहज तरीके से चार्ट ले गए होंगे बातें करते होंगे इंसान थोड़ी सोचता है हम किस लिए लेके गए हैं क्या कल्याण करना है ये क्यों पूछ रहे हैं इंसान तो सोचता है कैजुअल बात है जी मनाली घूमने गए हैं ये कोई सोच सकता है कि आने के टाइम क्या होना था इसलिए जिंदगी में पता ही नहीं अगले पल होना क्या है हर पल उसका शुकराना करना चाहिए हर पल उसकी याद में रहना चाहिए ठीक है परमात्मा बस उठते बैठते फिरते उनकी याद में थैंक यू गुरु जी थैंक यू गुरु जी थैंक यू गुरु जी अगला सत्संग पढ़ते हैं। queer appearances at a garment shop, कपड़ों की दुकान पर किस तरह से बड़ी गरीब चीजें देखी पढ़ते हैं गुरुजी पजल्ड मीरा जी बाय शोइंग एट द शॉप इन खरोल बाग ही फॉर्म लव्ड

या कुछ देने आते थे पर वो कभी अपनी असल रूप में नहीं आए हमेशा बदल बदल कर गुरुजी आते रहे उनकी दुकान पर और उस रूप में नहीं आए जिनको obviously, जो गुरुजी का रूप है सब वो पसंद करते हैं पर नहीं गुरुजी अपने अलग अलग रूपों में आते रहे और वो बुरे कर्मों को ना दूर करने के लिए भी इनसे पैसे लेते थे और उस तरह से अपनी ब्लैसिंग्स ताकि इनकी प्रोस्पैरिटी हो किस तरह से ब्लेसिंग्स निछावर करते थे और मीरा जी के लिए ये ना ये ना खत्म होने वाली वो थी एक यू नो नेवर एंडिंग कॉन्स्टनेशन एक एंगजाइटी सी कह लो एक कुछ ऐसी हालत क्योंकि वह पहचान थोड़ी पाते थे वो तो होता ही है जब गुरु जी इस रूप में आते हैं तो ऐसा पर्दा पड़ जाता है इंसान नहीं समझ पाता हाँ बाद में जरूर एहसास होता होगा हाँ ऐसा हुआ होगा पर उस टाइम वो बिल्कुल ऐसा कर देते थे तो क्या होता है The Kapoor's ran their wholesale business from a first-floor shop at Karol Bagh. One morning, a stranger came in, he offered his visiting card and said that he wanted some change. Miraji, who was sitting at the shop, said they were wholesale garment dealers and didn't keep change. तो क्या होता है इनकी दुकान होती है ना करोल बाग में आ, तो ये अपना ये जो होलसेल का चला रहे होते हैं कपड़ों का इनकी दुकान ना पहली मंजिल पर होती है एक सुबह ना एक अजनबी सा स्ट्रेंजर आता है वो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है उनको और वो कहता है मुझे कुछ ना खुले पैसे चाहिए तो मीरा जी जो दुकान पर बैठी थी वो कहते हमारा तो ये होलसेल का काम है हमारे पास खुले पैसे नहीं होते हैं तो आ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है जब वो कहते हैं कि हमारे पास खुले पैसे नहीं है हाउ एवर मिस्टर कपूर डिसाइडेड टू हेल्प आउट तो इनके

बैंक भेजते हैं चेक मतलब चेक चेक के साथ भेजते हैं ताकि वो छह हजार चार सौ रुपए मतलब उस तरह से इन कैश करवाए जाए बैंक से और ये व्यक्ति ना बैंक के अंदर चला जाता है और ये कर्मचारी बार ही इंतजार करता रहता है और वह इंतजार ही करता रहता है तभी जब बैंक गार्ड से पूछते हैं ना जब ये लौटता है तो बैंक गार्ड यही बताते हैं कि उसने तो कोई व्यक्ति को अंदर जाते देखा ही नहीं है क्या होता है the employee returned to the shop when he gave out the details Miraji felt exceedingly foolish that they uh, experienced business folk had been cheated by a stranger she told guruji who said their problems had been taken away he even admitted that it was he who had taken away the money guruji se aata na, saari baat batata saara batata Meera Ji ko lagta raya, hum इतने लंबे समय से देखो हमें बिजनेस में इतने लंबे समय से हम ये व्यापार कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हमें एक स्ट्रेंजर ने अजनबी हमारी दुकान में आता है और हमें धोखा देकर चले जाता है ये सारी बातों गुरु जी को बताती है गुरु जी कहते हैं अरे सारी परेशानियां दूर हो गई उन्होंने ये भी मान लिया कि वो ही आए थे उस रूप में और उन्होंने ही उस तरह से पैसे लिए थे आगे बढ़ते हैं Another time ka koi hua tha. So another time, a tall man whose head nearly touched the ceiling came and praying inside the shop. He was wearing a rough belt on his waist, taking him for a bigger bond. Miraji asked him to go away. Her employee said that he looked like Mhulinath, the Lord of the Innocent, the title uh, Lord of the Innocent, a title of Lord Shiva. And,

सिर उसका ऐसा लग रहा था सीलिंग को छू रहा है दुकान के अंदर आता है पूरा है तैयार होकर ऐसे बहुत ही प्रॉपर यू नो तो उसके बाद क्या होता है उनकी कमर पर ना एक मोटा बेल्ट पहना होता है और मीरा जी सोचती है तो वैगा वैगा सा लगता है मेरे को मैं वो जाने को कह देती है तो तो उनका जो कर्मचारी वह काम कर रहा था वो कहते देखिए ना ये भोलेनाथ जैसा दिखता है भोलेनाथ भोलेनाथ कहते हैं ना शिव जी की एक उपाधि है शिव जी का एक टाइटल है सो मीरा जी क्या कहती है दो रुपए दे देती हैं मीरा जी उनको कहती है चल तुम दो रुपए दे, दे दे इसको और दोबारा से फिर बोलती हैं कि ये आदमी बस चले जाना चाहिए और वो चले भी जाते हैं पर वो जो आदमी होता है ना वो मतलब गार्ड की नजरों में नहीं आता ही गेट्स अननोटिस्ड बाय द गार्ड मीरा so, जी बोलती है चलो अभी दो रुपए दे दो और दोबारा से फिर बोलती है तो इस तरह से आगे जाके देखते हैं क्या होता है कहते इन मैन मीरा जी टू गुरु जी गुरु जी सोच देखते हैं मीरा है? जी गुरु जी के पास जाती है शर्मिंदा हो जाती है गुरु जी ने क्या कहा अरे वो उसकी दुकान पर आए थे क्या किया दो रुपए देकर टरका दिया बस दो रुपए दिए तो देखिए फिर बैरस तो हो ही गई थी तो उस तरह से उनको लगा अरे गुरु जी यार मैंने सिर्फ दो रुपए दिए It was Guruji's hukam that Miraji said at the shop, though she felt she was not trained to do so, she followed his order. Later, Guruji went to Jalandhar. Miraji would remember him a great deal and weep in front of his photograph. She also used to read the Holy Shiv and tell her bees chanting Om Namah Shivay, Shivji Sada Sahay, and Om Namah Shivay, Guruji Sada Sahay. Whenever they would feel Guruji's rosy fragrance pervading the shop's interiors, the couple would get a change of clothes from their house nearby. And leave, तो गुरु जी ने ना उनको हुक्म दिया था मीरा जी को कि आपको दुकान पर बैठना है हालांकि पर बैठू और संभाल सकू पर फिर भी जो गुरु जी ने कहा था आदेश का पालन तो करना ही था बाद में गुरु जी चलंधर जलंधर चले गए और मीरा जी उनको बहुत याद करती थी और उनकी तस्वीर के सामने ना रोती रहती थी फिर वो शिवपुराण भी पढ़ा करती थी और आ, आ, माला भी जपती थी और मंत्र दोहराती थी ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय और जब भी उन्हें दुकान के अंदर आ, अंदर आ, ना गुरु जी की वो गुलाबी सुगंध प्यारी सी महसूस होती थी ना सुगंध महसूस होती थी तो वो क्या करते थे ना दोनों मियाँ बीबी घर से कपड़े लेकर गुरु जी के लिए निकल जाते थे उनको यही मतलब महसूस होता है कि गुरु जी हमें याद कर रहे हैं सो इस तरह से फिर वो निकल जाते थे during one such visit to jalandhar guruji told her not to remember him so much and not to cry he also advised her to do more of the shivji sahai mantra तो जब वो वहां पर हैं गुरुजी कहते हैं भाई इतना ना याद किया करो इतना ना रोया करो उन्होंने कहा शिवजी सहाय का मंत्र अधिक से अधिक जाप करो वही सलाह दी उनको ये मंत्र पढ़ने की मंत्र कोचारण करने की और फिर इस तरह से कहते हैं thanks to her constant remembrance guruji continue to visit her shop देखी क्योंकि वो इतने प्यार से याद करती थी ना गुरु जी को गुरु जी उनकी दुकान पर आते रहे तो कितने भाग्यशाली है कि गुरु जी स्वयं उनकी दुकान पर किसी ना किसी रूप में आते रहे किस तरह से कल्याण करने कुछ लेने कुछ देने कोई कर्म काटने ये गुरु जी जानते हैं सो आगे पढ़ते हैं कहते है वंस अ मैन ड्रेस लाइक एन एसेटिक केम टू आवर शॉप ही सेड ही वांटेड टू गिव हर रोज़री और माला व्हेन शी पुट हर हैंड्स शी आस्क्ड हर टू बाउ एंड पुट द माला ऑन हर नेक ही आल्सो एडवाइस्ड हर टू कीप द रोज़री विद हर तो कहते एक बारी ना एक जैसे साधु टाइप तपस्वी जैसे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आता है और उनको एक माला देना चाहता है जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला ना तब Uh, उन्होंने ना उसे उन्हें अपनी गर्दन झुकाने के, के लिए कहा और माला डलवाने के लिए कहा और यह भी सलाह दी कि माला हमेशा रखनी है तुमने और उसके बाद पढ़ते हैं कहते देखिए उसके बाद जब इनके ग्रैंडसन होता है ना तो गुरुजी फिर देखिए उस तरह से दर्शन देते हैं इनको

पांच महीने के बाद गुरुजी ने बोला कि हाँ अब तुम आ, फोटो लगा सकती हो शॉप पर मीरा जी थी 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 थी। तो कहा, उस स्वरूप उस लगाने से क्या हुआ उनकी बहुत तरक्की करने लगी बहुत अच्छी चलने लगी और जो भी पहले नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई थी गुरु जी इवन हेल्प मिस्टर कीप इज वर्ल्ड थ्री लैक सेल्फ गुरु गुरुजी ने ना मिस्टर कपूर जी की भी मदद थी, जो भी उन, उनके मुख से एक वचन या प्रॉमिस निकला होगा ना तो उन्होंने उसका मान रखा कहते एक बारी ना कपूर जी ने किसी आदमी को ना ऐसे उस तरह से प्रॉमिस किया था कि जो भी तारीख होगी जो भी नियमत होगी तारीख उसमें वो तीन लाख दे देंगे मीरा uh, जी ने uh, अपने पति को बताया कि देखिए एक छठा हिस्सा भी नहीं है जो कैश आप कह रहे हैं मेरी दुकान पर। तो उसके हस्बैंड कहते कोई बात नहीं मेरे को भी किसी ने दो पेमेंट देनी है दोनों को मिला के वो जो भी पैसा मुझे दे, मैंने देना है ना वो पूरा हो जाएगा कपूर मिस्टर कपूर वेंट टू द मनी वन मैन एस्ट हिम टू कम बैक अ वीक तो मिस्टर होते हैं Uh, पैसा लेने के लिए जाते हैं पर उस आदमी ने कहा कि नहीं आप हफ्ते बाद आइए एंड अनदर पोस्टमैन पोस्टपोन दूसरे ने ना एक दिन के लिए भुगतान uh, मतलब उनका टाल ही दिया कि चलो पोस्टपोन uh, कर दिया सो मनीलेस कपूर गुरु जी वायल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द करोल बाग गुरुद्वारा

और गुरुजी को ये अपना मामला पूरा सौंप देते हैं और दुकान पर वापस आ जाते हैं अंदर ही अंदर परेशानी तो होती है पर वो कहते हैं कोई बात नहीं गुरुजी ये ये अगर मेरे मैंने वचन नहीं दिया तो ये आपकी दिस, दिस, दिस शो होगी आपका अनादर होगा आप जाने कैसे करना है सो आफ्टर शॉपकीपर मैन वॉज फ्रॉम जलंधर शॉप हैप्पीली

और दुकानदार ना एक ग्राहक को भेजता है और वो जलंधर से होता है तो उसको कुछ चीजें चाहिए होती हैं और सारी चीजें इनकी दुकान से मिल जाती हैं और बड़ी खुशी खुशी वो पैसों का भुगतान भी कर देता है और चेक भी नहीं करता माल को उनके उस तरह से ना चीजों को और इस तरह से मिस्टर कपूर का बड़ी आसानी से जो भुगतान मिल गया था जो उन्होंने वादा नहीं किया था वो सारा पूरा हो गया और उस शाम जब ये जाते हैं संगत में तो गुरु मीरा जी से कहते क्या बात है मीरा क्या बात है और मीरा जी मीरा जी को याद आता है तो कि गुरु जी ने कहा था अब तुम्हारा पति भाई फुटपाथ पर भी मुझसे प्रार्थना करता है तो फुटपाथ पर ही हमने देखा ना उधर करोलबाग के जो गुरुद्वारा उधर प्रार्थना कर रहे थे तो गुरु जी अंदर बैठे होते हैं तभी तो प्रार्थना उन पर कैसे पहुंच जाती है जो सच्चे दिल से की जाती है आगे बढ़ते हैं सच

or check bhi nahi kar ho hi nahi jab koi itna badi payment they or without checking nobody uh, can pay you know but guruji has its own has his own ways with rose garland sh shop is fireproof once when Miraji had gone with her sister in law to guruji's place place he asked the sister in law to pick up a rose garland from the heap of flowers offered to him he then inst instructed her to sanctify some water with the garland and sprinkle the holy wa holy water all over the shop एक बार क्या होता है मीरा जी अपनी भाभी के साथ गुरु जी के यहाँ जाती हैं तो गुरु जी ना उनकी भाभी को कहते हैं कि जो भी उन पर चढ़ाए हुए फूलों के ढेर मालाओं के ढेर है उनमें से गुलाब की माला देते हुए कहते हैं कि इसको ना मतलब पानी में उस तरह से डुबो के पवित्र करके दु, दु, दुकान पर ना इसका छिड़काव करना है सो उस तरह से दुकान दुकान में किस तरह से जो भी है वो भलाई होगा और वो बोलते हैं होली वाटर को ना स्प्रिंकल करना है छिड़काव करना है But the next day was a Monday and the sister-in-law was loath to open the shop, shop for the express uh, for the express purpose of sprinkling some water on it. Viraji told her that it was the best to act as directed by Guruji rather than apply their own logic to his words. So din Babi ko bola tha karne ke liye

signed the shop below them. The blaze was so fierce that the ceiling's fans melted. But the devotee's garment shop was safe. The fire had seemingly recoiled from near the garment shop as the wind started blowing in the opposite direction. The rose garland blessed by Guruji had protected the shop. So Guruji ka hara cheez ka maksad hota na. Pata hai na aane wala time kya tha? Kya bhihanak samay tha? Kehte ek mahine baad na Karol Bazaar mein aag lag jati. Sari jal jati. Aur uh, uh, इवन की जो मीरा जी की दुकान की जो नीचे दुकानें होती ना वो भी जल जाती है, इतनी आग होती है कि छत के पंखे तक पिघल जाते हैं लेकिन 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 बट इनकी जो कपड़ों की दु, दुकान है ना वो सुरक्षित रहती है तो कहते ऐसा लगता है कि जो आग कपड़ों की दुकान से पीछे पता कैसे गई क्योंकि जो हवा है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में लो करने लगी विपरीत दिशा में गुरु so गुरुजी द्वारा आशीर्वाद जो आशीर्वाद दी था ना जो गुलाब की माला दी थी उसने ही दुकान की रक्षा की अभी तो गुरुजी ने कहा स्प्रिंकल करो छिड़काव तो उनके हुक्म में रहना बहुत जरूरी है कई बार इंसान सोचता है, नहीं मन नहीं कर रहा ऐसे कहा होगा नो ओबीडियंस हुक्म तो अगर नहीं होता तो नुकसान तो फिर अपना ही होता है ना तो जो गुरु ने कहा छिड़काव करना देखिए इस तरह से छिड़काव करवाने के बाद सिर्फ इनकी दुकान को कैसे सुरक्षा और शील्ड बना दिया shield uh, protection, uh, unko di. De de. so kapoor switched business on his advice. kapoor ni, guruji, ke ke baad apna business padla. the kapoor's business wasn't doing so well. mr. kapoor had a plan to turn his fortune around. he wanted to import material from china, which would help him cut costs. guruji was approached for approval. guruji told him not to start right away and that he would tell him the right time. सो so, इनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है तो मिस्टर कपूर सोचते हैं कि चलो देखते हैं अभी अपना किस्मत बदलने के चलो अपना व्यवसाय अपना बिजनेस बदलते हैं तो वो अब क्या चाहते थे कि अब ना ये चाइना से मटेरियल मंगवाया जाए इसलिए कटौती होगी और उनके काम में भी मदद उनकी लागत कम पड़ेगी ना उनके काम में मदद मिलेगी तो वो गुरु जी के पास जाते हैं उनकी परमिशन के लिए तो गुरु जी ने उनको यही बताया कि नहीं जब सही समय आएगा तो वो उनको स्वयं ही बता देंगे क्या होता है After three months, Guruji gave Meera prasad of karmam seeds and mishri. He told her to eat it while sitting inside the shop. They were, they were also permitted to start the new business after they told Guruji the name of the man in China with whom they were to do business. Guruji said he was a good man. They did business worth crores with this man sitting in China over the last five years. And till date, they have not met each other. There has been no loss either. खानी है और ये जो मिश्री है खाना और, और चाइना में बिजनेस करना है तो गुरुजी ने पहले ही चाइना के उस व्यक्ति का नाम भी बता दिया जिसके साथ बिजनेस करना था और इनको परमिशन भी दे दी कि जिसके साथ ये व्यापार करना चाहते थे गुरु ने कहा भाई अच्छा आदमी है वो तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि पिछले पांच वर्षों से इस आदमी के साथ जिन, जिनके साथ इनका व्यापार हुआ ना बिजनेस हुआ मतलब कभी मिले भी नहीं और इनको कोई घाटा भी नहीं हुआ तो देखिए गुरु जी को गुरु जी ने अपने आप ही एक आत्मा को चुना चाइना से एक अच्छे इंसान को ये मिले भी नहीं कोई घाटा भी नहीं हुआ किस तरह से मेहर की मिश्री का प्रसाद दिया इलायची का प्रसाद दिया बोलो दुकान के अंदर बैठ के खाना तो उनके हुक्म में रहना कि किस तरह से वही चाहते हैं वही जानते हैं किस तरह से नैया को पार लगाना है Another time Mr. Kapoor was in Chandani Chok, one of the most congested areas in Delhi, with a great deal of money in his briefcase. He kept the briefcase on top of the, another car while trying to enter his own vehicle with ease. Then he came home. At home, he discovered that he had not bought the briefcase with him. He was distraught since it contained a lot of money. He immediately went. Went back though he knew that the briefcase would have disappeared by now. To his amazement, the case was still on the top of the card that he had put it on. When in the evening he met Guruji, the master simply said, Did you find the bag? They came. Uh Kyauta Eggbarina Shikapuji Kopati uh, congested area hina. Bhirbahadwala hai chandri और उनके ब्रीफ केस में बहुत सारा पैसा होता है ये ब्रीफ केस क्यों ना एक दूसरी कार के ऊपर रख देते हैं और अपनी गाड़ अपनी गाड़ी में उस तरह से बैठने की कोशिश करते हैं फिर घर भी आ जाते हैं घर पहुंच कर याद आता है अरे ब्रीफ केस कहाँ गया मेरी ब्रीफ केस हमें लेके नहीं आया फिर इनको उस तरह से याद आता है कि अरे ये उसमें तो इतना सारा पैसा है परेशान हो जाते हैं कि ये तो दूसरी कार के ऊपर रख दिया और ये वापस चले जाते हैं हालांकि उनको अंदर से पता था ये हो ही नहीं सकता इतना कंजस्टेड एरिया क्राउडिड एरिया इतना, इतना फुटफॉल होता है फुटफॉल पड़ता है वहां पर तो क्या है कोई ना कोई तो मेरा आराम से ले गया होगा अभी तक तो गायब हो चुका होगा बट जो है अभी भी ब्रीफ के उसी कार पर था जहां उन्होंने रखा था और उस शाम को जब गुरु से मिलते हैं तो गुरु बस इतना ही कहते हैं अरे डिड यू फाइन द बैग क्या तुम्हें बैग मिल गया कौन रक्षा कर रहा था उस बैग की कौन गुरुजी गुरुजी देखिए किस तरह के दिनचर्या की चीजें भी अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं नहीं तो हो ही नहीं सकता इतने एरिया में बैग तो मतलब मिलना ही नहीं था इम्पॉसिबल था किसी ना किसी ने, ने। लेकर जाना ही जाना था गुरु जी की कृपा है सो आगे बढ़ते हैं रीचिंग आउट विद ग्रेस ग्रेस के साथ आगे बढ़ना उनकी दया के साथ उनके अनुग्रह के साथ उनके ग्रेस के साथ ग्रेस बहुत बड़ी चीज है कहते हैं इट वॉज नॉट जस्ट मीरा हु बेनिफिटेड फ्रॉम गुरु जिस खेर प्रोटेक्शन फैमिली डेड सिर्फ मीरा जी को कृपा नहीं मिली उनके परिवार को भी मिली सो डिड अ वर्कर इन अयर बाय शॉप सो डिड द हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन तो क्या कहते हैं सिर्फ मीरा जी को ही नहीं उस तरह से उनके परिवार को भी और एक वर्कर जो उनके पास की शॉप में था ना कर्मचारी उसको भी मिली और एक हेड uh, था डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का अरे उसको उस पर भी कृपा सिर्फ कृपा संगत को नहीं उनके आसपास के लोग होते हैं उनको भी उस तरह से कृपा मिल जाती है गुरुजी कहते हैं The Kapurs had gone to the nearby shop and they started doing sutra. Guruji's tale so impressed the worker of the shop, a devotee of the mother, that he made up His mind to go to Guruji, who was an in Jalandhar. He took directions from the kapoos and after, after, and after shop hours set out, he reached Guruji, who wanted to know who had sent him. After he was told of the same, Guruji hugged him for, no, for reasons best known to him. He then sent the man back to Delhi. तो देखिए ये मिस्टर एंड मिसेस कपूर मीरा जी जब दुकान में जाते हैं सत्संग करते हैं गुरु जी के सारे सत्संग दुकान के कर्मचारियों को और उस तरह से एक दुकान का कर्मचारी था जो माता जी का भगत था इतना इम्प्रेस इतना प्रभावित हो गया कि उसने पूरा मन बना लिया मैं गुरु जी के पास जाऊं और गुरु जी उस समय समय जलंधर में थे और जैसे भी इन्होंने डायरेक्शन दी थी ना उसको तो वो अपनी दुकान के बाद ना वहां पर निकल जाता है जब गुरु जी के पास पहुंचता है ना Uh, वो गुरु जी जानना चाहते हैं किसने भेजा है और जब ये बताते हैं तो गुरु जी को गले लगा लेते हैं और कारण वही जानते हैं गुरु जी क्यों ऐसा किया और फिर वो वापस दिल्ली में या दिल्ली भेज देते हैं उसको तो देखिए सच अ ब्यूटिफुल थे जब वो बताता है कि किसने भेजा और उसने बताया होगा और गुरु जी किस तरह से गले लगा देते हैं ही दैट मैन मैन बैक टू डेली Now, this man led a troubled domestic life. All his brothers fought among themselves. When he came back home, he told his wife that he felt as if all his problems would go away. And this was what happened. The brothers, squabbling over property, did exactly as he suggested. A locker that contained the family jewelry was opened and the treasure divided among the brothers. See, what इस आदमी के जीवन में ना घरेलू परेशानियां बहुत भरी हुई थी और आपस में भाई लड़ते रहते थे और जब मैं वापस आया ना तो उसकी पत्नी ने कहा जब वापस आता ना अपनी पत्नी से कहता कि मुझे अब लगता है कि सारी समस्याएं सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और हुआ भी ऐसा कुछ तो संपत्ति को लेकर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही थी ना भाइयों में तो क्या हुआ Uh, एक लॉकर में ना सारी फैमिली की ना वो ज्वेलरी थी आभूषण थी तो इसने एडवाइस किया सारे ब्रदर्स को ऐसे तो वही हुआ और वो खोला गया और भाई भाइयों को उस तरह से खजाना बांटा गया द शॉप की शॉप सॉरी द शॉप वर्कर फाउंड अ पर्ल गार्लैंड अ ब्रीफ नोट अटैच टू इट सेड इट शुड बी गिवन टू द वन हु मोस्ट डिजर्व इट

तो तो you know, हलचल चल रही होती है अंदर डेमा तो जब गुरु जी आ, उनके सामने आते हैं तो गुरु जी कहते हैं क्यों भाई क्या हिचकिचा क्यों हिचकिचा रहे हो क्या मन में चल रहा है तो उस तरह से तो क्या करता है वो So everyone had been impressed by Mira's quick Miraji's quick recovery from her joint problems. The doctor treating her, head of the Department of Orthopedics in Sadhajang hospital, had seen the recovery take place. She herself suffered from severe joint pains. She found it difficult to do her rounds. And Miraji suggested that she go to Guruji. She did and returned with his blessings. तो देखिए मीरा जी के जोड़ों की जो समस्या होती है वो तो ठीक हो जाती है इसको देखिए सारे इंप्रेस हो जाते हैं प्रभावित हो जाते हैं जो मीरा जी का इलाज कर रहे होते हैं ना डॉक्टर जो सफदर जंग अस्पताल में हड्डी के रोकी मतलब एक प्रमुख थी तो उन्होंने भी देखा होता मीरा जी को ठीक होते हुए और वो खुद भी स्वयं भी जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी और उनका भी दर्द इतना अक्यूट था ना कि उनको जो राउंड्स लगाते हैं हॉस्पिटल में चक्कर लगाते उसमें दिक्कत आ रही थी तो मीरा जी ने उनको भी बोला कि वो गुरु जी के पास जाए और वो गई भी और आशीर्वाद लेकर आई सो so, सोन मीरा जी हर्ड फ्रॉम हर द डॉक्टर वॉज कॉलिंग हर हर टेल दैट शी जस्ट टेकन अ ऑफ विदाउट फीलिंग एनी पेन द डॉक्टर सर शी वॉज स्टिल तो क्या होता है तो जल्दी ही मीरा जी को खबर मिलती है डॉक्टर की उन, उनको मिलना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिना किसी दर्द के वार्ड के चक्कर लगा पाती हैं तो डॉक्टर ने कहा कि वो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं मैं अभी भी सोच 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 रही हूँ कि ये वाकई मैंने चक्कर लगाया है उसी ने चक्कर लगाया गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ वो चक्कर लगाती ना, तो थी ना हॉस्पिटल में चेकिंग टू सी द पेशेंट्स एंड ऑल दैट जो अर्लियर शी कुडंट डू दैट So as Miraji turned into Guruji, she found that her entire family was getting blessed. Her sister-in-law was among the first ones. She had a tenacious cold, and that would usually be accompanied with a migraine. Even her ears would give off water. Her hearing had already been damaged. Mira and she went to Guruji together, and the cold and the migraine vanished. Her hearing improved, but at the same time, the sister-in-law's son Ankur was losing the vision. He was only four years old. The problem was put before, Guruji's, uh, before Guruji and he gave his blessings. He asked Miraji's sister-in-law to put honey in Ankur's eyes. The mother knew that applying honey to the eyes hurt a lot and was reluctant. She was prevailed upon and found that Ankur felt no pain at all when the honey was applied and Guruji told them to get Ankur's eyes tested. Sure enough, the eyesight was visited. देखिए मीरा जी कहते हैं कि उनके सानिध्य में जो भी उनका परिवार था सबको आशीर्वाद मिला और उनकी भाभी को आशीर्वाद मिला जिनको बहुत ही क्रॉनिक और बड़ा ही बुरा सर्दी जुकाम था माइग्रेन भी होता था कानों से पानी निकलता था और सुनने की शक्ति भी खराब हो चुकी थी और इस तरह से वो सब गुरु जी के पास गए सर्दी जुकाम माइग्रेन सब गायब हो गया और सुनने की जो शक्ति थी ना उसमें भी सुधार होने लगा लेकिन उनके जो भाभी बेटा बेटा था ना अंकुर उसकी दृष्टि थोड़ा विजन लॉस हो रहा था और वो भी सिर्फ बच्चा सिर्फ ही वॉज फोर इयर्स ओल्ड चार साल का ही था और इन्होंने ये प्रॉब्लम गुरु को बताई गुरु ने ब्लेसिंग दी और गुरु ने मीरा जी की भाभी को ये बोला कि उसकी आंखों में शहद डालो पर वो जानती थी कि अगर शहद पड़ेगा तो बहुत पेन होगी तो वो थोड़ा रिलेक्टेड थी शी वॉज वेरी विलिंग टू डू दिस हिचकिचा रही थी उन्हें समझाया गया पर अमेजमेंट uh, जब उन्होंने शहद डाला तो अंकुर को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और बाद में जब आंखों की जांच हुई अंकुर की तो उनकी रोशनी में भी सुधार हुआ गुरु जी की असीम कृपा क्या बोलेंगे सारी जिंदगी और जन्म भी बीत जाए तो असीम कृपा का शुकराना नहीं कर सकता इंसान आगे पढ़ते हैं वन हु ग्रैंड गॉड्स दर्शन मीरा जिस ब्रदर है आर्मी ऑफ श्री रामाकृष्ण पर महंसा he used to visit the saints with only one hope in mind that they grant him darshan of the lord after mira had been to guruji she called him up and told him about the sadguru he willingly came to the sangha guruji immediately called him mama maternal uncle and asked him to wish for something the spiritual aspirant asked for the guruji's meher or grace Guruji again assisted, insisted that he asked for something, and the aspirant revealed his great desire to see God. Guruji merely said, Okay, three days later, Miraji's brother had a vision at home. His lifelong quest was realized. He had seen God. As the Devotees mere request, Guruji was able to grant him the darshan of the Almighty. Who oh, then, oh, then he is? Who then he is? What was उस तरह से कहते हैं हाँ रिटायर हुए हुए थे सेवानिवृत्त हुए थे रिटायर हुए थे और वो श्री रामकृष्ण परमा हंसर जी के ना भगत थे और आ, आ, मतलब वो जब भी जाते थे ना संतू के पास उनके पास मतलब एक ही थी उनकी इच्छा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं मुझे दर्शन चाहिए भगवान के तो मीरा जी ने फिर उनको फोन किया कि गुरु जी के पास चले और अपने गुरुजी के बारे में बताया फिर वो तैयार हो गए संगत में जाने के लिए और गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको मामा कहकर कहा मतलब उस तरह से बुलवाया और उनको बोला बताओ हमारी इच्छा क्या है तो आ... उन्होंने सिर्फ गुरु जी से मेहर और कृपाई मांगी नहीं गुरु जी ने फिर दोबारा से पूछा मांगो क्या मांगते हो तो देखने की है। और तीन बाद ना, मीरा जी के भाई हैं उनको घर पर दर्शन हुए और उनकी जो जीवन की खोज थी ना लालसा थी जिस खोज के लिए वो यहाँ संतों के भी जाते वो पूरी हो गई क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे और देखिए किस तरह से एक भगत की एक प्यारी सी अनुरोध पर गुरु जी ने भगवान के सर्वशक्तिमान भगवान और माइटी के दर्शन करा दिए फिर वह कौन है भगवान के दर्शन कौन करा सकता है स्वयं ईश्वर ही करा सकते हैं वो देखिए किस तरह से जो उनकी तीव्र इच्छा थी कैसे पूरी की एक कहते वन आंसर कम्स फ्रॉम मीरा फादर हिमसेल्फ अब जो उन्होंने पूछा ना ही

दुनिया को उस तरह से दिखाने के लिए कि या किस तरह से इंप्रेशन जमाने के लिए या भगत बनाने के लिए अरे गुरु जी तो एक लाइट है लाइट साधारण थोड़ी है वो बिल्कुल You know, an and, and तो खुद ही जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया साधारण गुरु ना समझो इनको कि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की और दुनिया को दिखाने आए हैं अपने ये जादु शक्तियां या कह लो सिद्धियां रिद्धि सिद्धिया तो देखो जो बहुत तपस्या करते हैं उनको भी मिल जाती है ना पर प्यार की तो कोई परिभाषा ही नहीं है एंड गुरु जी बियॉन्ड एवरी थिंग गुरु जी की तो खुद रिद्धि सिद्धियां अपने सामने प्रणाम करती हैं सारे ग्रह हाथ जोड़कर बैठते हैं रिद्धि सिद्धियां तो कुछ भी नहीं है एंड वन शुड नॉट इवन गेट बाय सीइंग द रिद्धि यू नो इट्स इट्स जस्ट इफ एग्जिबिटिंग तपस्या बहुत साधु महात्मा करते हैं इतने इतने साल और क्या क्या नहीं क्योंकि रिद्धि सिद्धियां चाहिए होती है कहते हैं उनको वो मत समझना ही इज फॉर्म ऑफ डिवाइन लाइफ गुरु जी तो एक ओमकार Hai, hai, light hai. Mr. Kapoor, who had Guruji's darshan, Kapoor, who was educated in Banaras, the city of Lord Shiva, saw in a dream that he saw in a dream that he was at Banaras Vishweshwara temple. The door of the temple opened and he saw Guruji. His gaze fell to his feet where he saw Brahm, Brahma, Vishnu and Mahesh. Guruji was told of the dream. He told Kapoor that, that the devotee had his darshan. Dev, devotee had his darshan. मिस्टर कपूर है ना उनको भी दर्शन हुए गुरु जी के भगवान शिव की नगरी है ना बनारस उन्होंने तो सपने में देखा कि बनारस में वो ना विश्वेश्वर मंदिर में है और मंदिर का द्वार खुलता है वो गुरु जी को देखते हैं उनकी निगाह गुरु जी के चरणों पर पड़ती है जहाँ उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई देते हैं और देखिए सारे दर्शन और गुरु जी को स्वप्न के बारे में बताते हैं और गुरु जी कपूर को बस मिस्टर कपूर को यही कहते हैं हाँ उनको उनके दर्शन हुए यार दर्शन तो देखिए कितने रिवाइज दर्शन हुए मिस्टर कपूर जी को भी आगे बढ़ते हैं मास्टर ऑफ होम अफेयर्स मीरा जी हैड बीन लिविंग ऑल द टाइम इन अ जॉइंट फैमिली इन द क्रोलबर्ग होम बट गुरुजी इंसिस्टेड दैट द कपूरस मूव टू गुरगांव सो ऑन 25th मार्च 2003 शी डिड तो मीरा जी उस तरह से हमेशा से एक संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में रही ना तो गुरुजी ने पर उनको ना उस तरह से इंसिस्ट किया जोर डाला गुरु जी ने कि देखो गुड़गांव चले जाओ इसलिए पच्चीस मार्च दो, दो हजार तीन को ना ये लोग गुड़गांव चले जाते हैं और इस तरह से फिर क्या होता है तो इनके ना मन में आता है क्योंकि अब नए घर में गए हैं इसको पवित्र करने के लिए कोई धार्मिक सेरेमनी होनी भी चाहिए तो गुरु जी टाल देते हैं तो उस तरह से ना house with फोरोग्राफ पर

तो फिर वहां जाके पता क्या हुआ वो अंदर ही अंदर ना उस तरह से शिकायत करने लगी कि वो अकेली महसूस करती है वहां पर दो हर मेड मीरा जी दरबर जी डिन वॉन्ट बट दिन चौके तो, 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 तो मीरा जी के मन में कैसे आया शिकायत करी थी गुरु जी से अंदर अंदर अकेली है तो अभी जो उनके सर्वेंट है ना हेल्पर उन्होंने मीरा जी को बताया देखिए जो बगल वाले फ्लैट में एक पड़ोसी है वो रिश्ता मतलब उस तरह से मिलना चाहती है रिश्ता बनाना चाहती है इंटरेस्ट दिखा रही है अपना पर मीरा जी को ये था कि मैं पहले पहल नहीं करूंगी सो क्या होता है

गुरु uh, जी और मीरा uh, जी को एक सहेली मिल गई थी और गुरु जी को वहां सब पता था क्या हो रहा है तो जैसे ही मीरा जी संगत में जाती है ना तो गुरुजी फिर मिल uh, पूछते हैं मीरा जी को अच्छा फिर सहेली मिल गई मीरा जी बहुत हैरान होती है अरे गुरु को एक एक चीज पता है मेरे घर पे क्या हो रहा है क्या वार्तालाप हो रहा है क्या बात हो रही है इंटरेस्टिंगली इट वॉज नॉट जस्ट अ ड्रॉइंग रूम दर वॉज विजिबल टीज ऑम आई मीरा जीबेंड्यूट तो कहते सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइंग रूम तक ही गुरु जी की वो आ, आ, कहते हैं ना सर्वव्यापक गुरु तो हर जगह ही है तो मीरा जी और इनके हस्बैंड में कुछ थोड़ी सी बहस या लड़ाई होती है जो भी डिसग्रीमेंट होता है तो क्या होता है आगे इन द इवनिंग गुरुजी फोन कपल इनको फोन करते हैं शाम को ही स्पोक टू कपूर एस्किंग क्या होता है इस तरह से देखिए गुरुजी की सर्वज्ञ दृष्टि तो सिर्फ बैठक की ड्राइंग रूम तक ही थोड़ी थी तो एक बात मीरा मीरा जी और और जी उनके पति में सुबह कोई भी छोटी सी ट्रिगल सी बात को लेकर बहस हो रही होती है और शाम को जब अः क्या होती है शाम को गुरुजी फोन करते हैं कपल को और सबसे पहले मिस्टर कपूर को फोन करते हैं और पूछते हैं भाई झगड़ा क्यों किया तुमने मीरा जी से तो इससे पहले कि मिस्टर कपूर कुछ कह पाते गुरुजी ने कहा भी फोन मीरा जी को दे दो और फिर गुरुजी ने मीरा जी से बात की और अपने पति के साथ झगड़ा मतलब तो जो हुआ उसके लिए डांटा भी तो देख देखिए इस तरह से कोई बात छुपी नहीं, so, uh, नहीं रहती है क्या बात हो रही है क्या है सो so, uh, आगे आगे पढ़ते हैं गुरु जी फोन ऑफ टू मिस्टर अस्टान कपूर आंसर गुरुजी सेड द सेम टू मीरा चाहे वो छोटी सी बहन, बहन सी थी या बात थी या ट्रिवियल, या था पर नहीं गुरु ने फोन किया उन्होंने बताया और यही बोला कि हाँ इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए ऑलवेज मीरा जी फेल्स प्रेजेंस एस एफ गुरु जी वॉज री अश्योरिंग तो उनको उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती थी कि वो हर जगह है उनके साथ हर जगह उपस्थिति महसूस होती थी जैसे हर कदम में गुरुजी उनके साथ हैं। है वंश स्लीपिंगली टर्न टू लुक बैक नो वन टाइम From behind on her shoulders. She wanted to dismiss it as imagination when she saw the curtain in her puja move slightly as if in a breeze. She asked Guruji mentally whether it was him. Sure enough, during the satsang, he told her not to fret, it was him. Dekhye, पल पल में गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का एहसास इनको दिलाया एक बारी वो सो रही थी ना तो पीछे से ऐसा लगा किसी ने कंधे मतलब जोर से कंधे दबा लिए हो और जब पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था तो एक बारी जब पूजा कर रही थी ना तभी भी इनको लगा कि यार किसी ने पीछे से कंधे को छुआ है और फिर दूसरे कंधे को छुआ है फिर डर गई

she got petrified she got terrified you know when she saw the snakes in the bathroom it is highly improbable occurrence for the Kapoor home is located in a modern apartment complex and all the three bathrooms are tiled and no one has ever reported sighting snakes in the area तो कहते उनके लिए ना ये बड़ी एक विचित्र सी घटना थी क्योंकि उनका घर एक बड़ा आधुनिक modern apartment complex में रहते थे और तीनों बाथरूम में tiles लगी थी और किसी ने कभी भी शिकायत नहीं की थी कि भी सांप किसी ने देखा है

बहुत डरती हैं और प्रार्थना करती है गुरु जी से टप जाने से पहले पर फिर भी सांप देखे आते ही रहते थे और कई बार ना शी वुड स्टैम्प आउट वु कुचल कर गया जैसे भी बाहर निकाल देती थी शी थीड टू गेट द बेस्ट अवेल अब उनको लगता था कि मैं ऐसा करती हूँ बात चब भी निकाल देती हूँ यहाँ से तो अपने हस्बैंड को बोलती हैं बट वो मामला वही रह जाता है बट टू नो अवेल मतलब द थिंग्स गेट स्टक यू नो आई मीन प्रॉबर हस्बैंड इन पे हीट और कोई भी वजह हो सकती है

और इस तरह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है और मैं चाहती हूँ ये सांप बस चले जाए मुझे ना नजर आए विध गुरु परमिशन शी ऑर्डर सो गुरु जी की अनुमति मिल जाती है कि ठीक है अब तुम चाहती हो तो रिमूव करवा लो हटवा लो और जो बंदे आते हैं ना व्यक्ति आते हैं टाप को रिमूव करने के लिए ये उनको थोड़ा सा ना मतलब उनको प्रिपेयर कर देती है वार्निंग सी दे देती है कि देखिए बाथरूम में ना वो स्नेक्स है देफ्ट इट ऑफ अब वो सोच ही नहीं सकते ये ये औरत ये क्या बोल रही है यू नो दे सीरियसली सो दे जस्ट ऑफ They laughed it off. So Miraji kept checking to see whether the snakes were appearing as the towel was being removed. But the snakes had completely disappeared. The phenomena has not been satisfactorily, satisfactorily explained to this day. How come there were snakes in a modern housing complex? Why did only Miraji see them? Why did they appear? Uh, what did the appearance suggest? Where did they go? Only Lord Shiva knows. कहते check karti Uh, कि ये नजर तो नहीं आ रहे सांप चले गए ना तो टब भी निकाल दिया गया और स्नेक्स बिल्कुल डिस्पेयर हो जाते गायब हो जाते हैं कहते फिर भी ना ये संतोष इस घटना को ना संतोषजनक ढंग से बताया नहीं जा सकता कि मतलब कैसे बताएं ये एक मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कैसे आ सकते हैं और सिर्फ मीरा जी को क्यों नजर आते थे और ये स्नेक्स का आना क्या क्या सिंबलाइज करता है क्या दिखाता है क्या बताता है और वे डेट देखो चले भी कहाँ गए अरे थे अब ये किसको पता है, सिर्फ शिवजी को ही और संगत जी हैं एक बार उनसे मिलना हुआ गुरु like, जी मुझे दर्शन दो मुझे दर्शन दो तो ऐसे ही उनके घर में ना बहुत बड़ा सांप आ गया मारो फिर बाद में जाके ध्यान आया अरे मैंने ही तो गुरु जी को बोला था दर्शन दो वही कहते हैं ना दर्शन उस तरह से मांगने नहीं चाहिए ले नहीं पाता इंसान वो किसी रूप में भी आ सकते हैं और जिस तरह से इनको नजर आते रहते थे जब भी स्नान करने जाती थी कभी चार कभी ऐसे और सिर्फ इनको ही नजर आते थे दो गुरु जी यू नो इन्होंने थोड़ा इम्प्लोर किया होगा एंड गुरु जी सर ओके ठीक है करवा लो और जो बंदे भी आते हैं

गुरु जी ने जिंदगी बख्शी और वो कितनी भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने उनको पहले बताया भी मैं भेस बदल बदल कर आऊंगा पर जब जब भी वो आते थे इनको नहीं पता लगता था कभी पैसे लेने आना किस तरह से कर्मों को खत्म करना कभी कुछ देने आना देखिए वो नहीं तो आग लग जाती दुकान पर और किस तरह से आ, किस तरह से गुरु जी ने कृपा बिरसाई सो धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं गुरु जी का इस पल का देने के लिए इस uh, सत्संग का पढ़वाने के लिए आई आई डोंट टू बी रीडिंग मेड मीन ऑफ मिस्टेक्स पर पर वो माफी मांगते हैं पर मीरा जी की स्मृति को याद करते हुए ये सारा सत्संग उन्हीं को समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं जहां भी गुरु जी ने उनको रखा होगा खुश हो रही होंगी और गुरु जी के चरणों पर क्योंकि जब आपको गुरु कह देता है कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट तो वो आत्मा क्या होगी सो so, धन्यवाद करते हैं संगत जी का इस प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म का कुमार अंकल जी का और सारी संगत का गलतियों के लिए माफी करना सो so, थैंक यू गुरु जी थैंक यू संगत जी जय गुरु जी महाराज मैं गोल्डी रंधावा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा ओवर टू यू रंधावा आंटी जय गुरु जी जय गुरु जी महाराज सोनिया जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ satsang ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਧੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਥਕਾਬਟ ਬੋਡੀ ਚ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਵਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਕਹਰੇ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ satsang ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਦੀ ਆਪਾਂ satsang ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਥੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਹ ਐਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਦ ਸਬਦ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ

Uh, we get the, we got the chance uh, to go on youth festival together, and she's an Bilkul. amazing guitar dancer, Mime which we see on you you know youth festival day. I hope Bilkul, she remembers Bilkul. that. Bilkul, Bilkul. Yaad hai, yaad hai. Aur, bahut memories hai. Aur, ajapa, Guruji de